तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे यहाँ शहर में दो त्यौहार मनाए जा रहे हैं। एक तो पुष्करणा दिवस है आज, तो मैं माँ उष्णवाहिनी देवी के दर्शन करने आया हूँ। और दूसरा शहर में मुहर्रम है। माँ उष्णवाहिनी देवी जो हमारे पुष्करणों की कुलदेवी है, आज पुष्करणा दिवस है, तो मैं आज माँ उष्णवाहिनी के दर्शन करने आया हूँ। ये हमारे माँ उष्णवाहिनी माता जी के पुजारी जी, आपका शुभ नाम? शांति स्वरूप रंगा। शांति स्वरूप जी रंगा जी हैं। और ये मंदिर किस सन में बना था? तो बाप दो तो सात जी से पूछ रहे हैं, 150 साल पुरानी है मंदिर। ठीक है, पास में बैठा हुआ सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। मैन जी आपका नाम? मैं गणेश की। वहाँ कौन से मटके हो आप मठाधीश? कई नाथ का दुरा आशापुरा रोड बोकर। मैन जी के साथ में उनके शिष्य आए हैं जो कि हर वक्त इनकी सेवा में रहते हैं। ये उष्णवाहिनी माता की झांकी निकल रही है जो कि आचार्य के चौक से और पूरा शहर क्रॉस करके उष्णवाहिनी माता मंदिर पहुंचेगी। ये उष्णवाहिनी माता की झांकी निकलने वाली है। नमस्ते भारत। तो अभी मैं कोर्ट गेट पर आया हूँ और यहाँ ताजियों का इंतजार करेंगे अपने। थोड़ी देर में ताजिये निकलने वाले हैं और इतने में अपने जूस पी लेते हैं, तब तक शायद आ जाएं। दोस्तों, आज मेरा पोपट हो गया क्योंकि मैं यहाँ 5 बजे पहुँचा और ताजिए 4 बजे ही निकल गए। ये सेवक जी साड़ी सेंटर जहाँ दूर दूर से लोग साड़ियाँ वगैरह कोटा डोरिया की लेने आते हैं। ऊपर कृष्णा स्टोर, ये मोहताओं का चौक, यहाँ कोटा डोरिया की साड़ियों की बहुत सी दुकानें हैं दोस्तों, पूरे बीकानेर से और बाहर से लोग यहाँ साड़ियाँ खरीदने आते हैं।
अब मैं श्री बालचंद्र गणेश जी के मंदिर आया हूँ। ये बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। आओ चलो दर्शन करते हैं। यहाँ चप्पल खोल देते हैं और अपने मंदिर में दर्शन के लिए चलते हैं। बालचंद्र गणेश जी के दर्शन करेंगे दोस्तों। जय गणेश। भैरवनाथ भी स्थापित है बालचंद्र गणेश जी के सामने। महादेव मंदिर है। महादेव जी का अभिषेक किया जा रहा है मंत्रों के साथ। बालचंद्र गणेश जी के मंदिर में ये देखो माता जी की मूर्ति भी स्थापित की हुई है। कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। क्या कर रहा है तू? ये तेरे जितने बच्चों के लिए थोड़ी है, ये छोटे बच्चों के लिए है। हैं? ये वेद चलाएगा, वेद के लिए है ये। हाँ आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताना दोस्तों। और जो दर्शक चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्त। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।